नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले कि तहसील सिकंदरा साकिन बुजुर्ग हाईवे किनारे श्याम नारायण पुत्र रामस्वरूप ग्राम उरसान निवासी का एक ऑटो गैरेज के साथ स्पेयर पार्ट्स और बेकरी का कारोबार है, जहां पीड़ित द्वारा बताया गया कि किसी जरूरी काम पड़ने पर वह कानपुर चले गए थे, लेकिन दूसरे दिन जब वह वापस आए तो उनके ऑटो गैराज के सभी ताले टूटे हुए मिले। जब मैं अंदर गया तो देखा कि ऑटो पार्ट्स का सारा सामान गायब है तथा घर में आग लगी हुई है, जिससे लाखों रुपया का सामान जलकर खाक हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि चोर चोरी की घटना को अंजाम तो देते हैं, लेकिन आग नहीं लगाते। उन्होंने बताया कि कहीं ये बदमाश उनको मारने तो नहीं आए। जब हम नहीं मिले तो खुन्नस के चलते चोरों ने लूटपाट करने के बाद आग लगा दी। पीड़ित द्वारा घटना की तत्काल जानकारी सिकंदरा पुलिस को दी गई। मौके में पहुंची पुलिस ने जांच कार्रवाई करते हुए पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपका नाम, परिचय? कहाँ रहने वाले? अच्छा, ये जो आग यानी घटना हुई है, किस तारीख हुई, कैसे हुई, क्या कहना चाहते हो? ये सर, हम कानपुर चले गए थे ताला बंद करके। किस तारीख को गए थे? हम गए थे 6 तारीख को। उसके बाद सोमवार को रात में लौटे 11 बजे, तो रात में आए नहीं, सीधे चले गए घर। और घर से जब मंगल को सुबह आए तो यहाँ देखा कि अंदर का ताला टूटा हुआ है। फिर हमने देखा तो सब पूरी आग जली है, सब सामान भी गायब है। कितना लगभग नुकसान हुआ है? कम से कम 2.5-3 लाख का नुकसान है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चोर अगर चोरी करने आते हैं तो आग लगाने घटना को आप क्या कहना चाहेंगे? आप अगर सामान चोर चोरी कर ले जाएंगे, लेकिन आग लगे हुए कभी हमने देखा ही नहीं, लेकिन ये हमारे यहाँ हमको मारने के उद्देश्य ये लोग आए थे। कितना लगभग नुकसान हुआ है आपका? 2.5-3 लाख। पुलिस को सूचना दी? हाँ, 112 नंबर को दी। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? अभी तक तो हमें पता ही नहीं कि क्या किया, क्या नहीं किया। क्या नाम आपका? अजय कुमार कटिया। कहाँ रहते हो? उरसान। क्या पूरा मामला है? इसमें कारखाना चलने को देश था, कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से किसी काम से 8 तारीख को मैं कानपुर गया था और फिर यहाँ किसी लोगों ने आग लगा दी और सामान भी जला ले गए और जला दिया। कितना नुकसान हुआ? 2.5-3 लाख के बीच में। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने सही मुताबिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की।